हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y12S के अंदर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, या कुछ देख रहे हैं तब आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर चार तरीके से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, फोर स्टेप स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो गाइस, वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वो अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला तरीका क्या है। जो आपकी डिस्प्ले है, होम स्क्रीन है, उस पर जब आप थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। वहीं से हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है, जब आपका पावर बटन है एंड वॉल्यूम डाउन बटन है, जब आप इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। यहाँ से जब आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। वहीं मैं आपको बता देता हूँ तीसरा तरीका क्या है। जब आप इसको नीचे की स्वाइप डाउन करेंगे, नोटिफिकेशन पैनल को इसे ओपन करेंगे और इसे नीचे के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एस कैप्चर नाम से, ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं तो इसमें आपको तीन तरीके से स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाते हैं। एक तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जितना बड़ा चाहिए, फनी स्क्रीनशॉट में लॉन्ग स्क्रीनशॉट, तो वो आप जितने हिसाब से चाहिए आपको रेक्टेंगल पे इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जितना बड़ा चाहिए आपको उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें इतना बड़ा चाहिए तो इसे सेव कर देंगे, हमारा स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। वहीं आपको बता देता हूँ मैं एक चौथा तरीका क्या है। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसे नीचे स्वाइप करके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देंगे, आपके फ़ोन के अंदर जैसा भी आपको चाहिए स्क्रीनशॉट मिल जाता है। यहाँ से आप कर सकते हैं जो भी है ड्रॉअर पर, इस पर क्लिक कर देते हैं और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे लें। तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको चलना होता है सेटिंग में। सेटिंग में आ जाएंगे, थोड़ा ये लंबा हो जाता है। सेटिंग में आने के बाद आप थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे अपनी डिस्प्ले पे। जैसे आप थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ से थोड़ा टाइम ले रहा है, ये लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद आपको जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए इसे आप ऊपर के लिए ऐसे इस प्रकार से स्वाइप करके सेव कर देंगे, जितना बड़ा चाहिए इसे आप सेव कर देंगे। यहाँ से इसे सेव कर देंगे और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं आपके फ़ोन के अंदर कितना बड़ा स्क्रीनशॉट बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।